हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई एम शताब्दी मजूमदार, ऑल इंडिया रैंक 18, यूपीएससी सिविल सर्विस 2019। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंस आंसर राइटिंग। नाउ मेंस आंसर राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स इन द एंटायर यूपीएससी साइकिल। एंड वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट द मेन स्टेज एंड मेन्स मार्क्स आर क्रिटिकल फॉर योर सर्विस एंड रैंक एंड एवरीथिंग एल्स। सो द फर्स्ट सजेशन इन दिस रिगार्ड इज टू डू रिगरस प्रैक्टिस ऑफ आंसर्स ईच एंड एवरी डे। टेक अप से 5 to 7 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे फ्रॉम से प्रीवियस यूपीएससी क्वेश्चंस और मे बी एनी टेस्ट सीरीज और एनीथिंग, एंड डू रिगरस प्रैक्टिस इन क्लासरूम एनवायरमेंट एंड इन अ टाइम बाउंड मैनर। सो इन दिस वीडियो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट वट आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड बाई एवरी एस्पिरेंट वाइल डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एंड सेकेंड थिंग इज आई विल टेक अप वन क्वेश्चन and show how I'll brainstorm, how I'll think about that question, understand that question in detail and attempt that question. So let us begin. Few things to be kept in mind for answer writing is things to be kept in mind for answer writing. First thing is read and understand the question very well. Second thing is answer every part of the question. Third thing is keep your handwriting legible. Fourth thing is answer all the questions. Time management. Fifth is answer as per the demand of the question. Now we'll see each of the pointers very briefly. First thing is read and understand the question very well. It might take say 30 to 40 seconds to understand the question, but don't take it as a waste of time. Aap ek bar, do bar, teen bar bhi padhe, don't hesitate to do that. I remember in CSE 2019 paper 2, there was one very complicated question. If I remember correctly, it was question number 4 or something. Very very complicated language and mujhe terminology samajh mein nahi aa raha tha. बट मैंने इसको, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई अटेम्प्टेड, एंड इसको मैंने 3-4 बार पढ़ा, एंड फिर उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने इसका जो है आंसर लिखा। तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं लिखा, बट आई थिंक अबव एवरेज सर्टेनली लिखा। तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आंसर राइटिंग। तो सेकेंड थिंग इज आंसर एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, द क्वेश्चन इज टू लार्ज, तो उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। इफ़ इट इज़ अ 10 मार्कर, मोस्ट लाइकली 2 पार्ट्स तो होते हैं, एंड इफ इट इज़ अ 15 मार्कर क्वेश्चन, 3 पार्ट्स होते हैं उस क्वेश्चन में। तो वी शुड कीप इन माइंड नॉट टू मिस आउट ऑन एनी पार्ट। हर पार्ट का कुछ कुछ वेटेज होता है। इफ़ यू मिस आउट ऑन आंसरिंग एनी वन पार्ट, बी श्योर के आप 1 to 2 मार्क्स यू आर लूजिंग आउट। द थर्ड थिंग इज कीप योर हैंड राइटिंग लेजिबल। मेरी खुद की हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, बट आई ट्राई टू एंश्योर दैट माई हैंड राइटिंग इज रीडेबल। कम से कम एग्जामिनर का मूड खराब ना हो राइटिंग देख के, एटलीस्ट पढ़ने में आ रहा है।
क्योंकि देखिए इसमें 20 क्वेश्चंस होता है, टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो बहुत अच्छा हैंडराइटिंग मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है. ऑफकोर्स सम पीपल आर गॉड गिफ्टेड, इनका हैंडराइटिंग बहुत क्लियर एंड ब्यूटीफुल अपीलिंग होता है, अट्रैक्टिव, बट इट वॉज नॉट एट ऑल द केस विद मी. सो आई ट्राइड हार्ड टू कीप माई हैंड राइटिंग रीडेबल. फोर्थ पार्ट इज एंसर ऑल द क्वेश्चंस. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेन्स पेपर. तो जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी बाई नाउ पता होगा कि देर आर 20 क्वेश्चंस, उसमें से 10 क्वेश्चंस जो है 10 मार्कर्स होते हैं एंड बाकी 10 क्वेश्चंस 15 मार्कर होते हैं. माई सजेशन हियर इज टू बिगिन विद द 15 मार्कर्स एंड अराउंड 11 मिनट्स पर क्वेश्चन इज द टाइम दैट यू शुड अलॉट. अब देखिए देर विल बी सम क्वेश्चंस जो बहुत बाउंसर होते होंगे या बहुत टफ होता होगा, जिसमें आपके पास इनफ कंटेंट नहीं है. हर साल हर पेपर में ऐसे एक दो तीन क्वेश्चंस ऐसे होते ही है. तो यू कैन अलॉट स्लाइटली लेसर टाइम फॉर दोज क्वेश्चंस एंड स्लाइटली मोर टाइम फॉर क्वेश्चंस जिसमें आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट हो, केस स्टडीज हो, कीवर्ड्स हो, वगैरह वगैरह. तो द रफ कैलकुलेशन इज फॉर 10 मार्कर्स 7 मिनट्स एंड फॉर 15 मार्कर्स 11 मिनट्स इज वॉट आई सजेस्ट. बट उसमें प्लस माइनस 1 मिनट डिपेंडिंग ऑन द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन. तो दैट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज एंसरिंग एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. कई बार वी गेट कैरीड अवे कि हमने ये पढ़ा और हमें ये आता है, तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा गया हो हम वही लिखेंगे जो हमें आता है. बट यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स फॉर राइटिंग वॉट एवर कम्स टू योर माइंड. यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एंड लेट मी टेल यू कि आपने अगर 2 पॉइंट भी एकदम फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखा है तो यू विल बी गिवन डिसेंट इनफ मार्क्स. दैट इज वॉट आई फील. तो क्वेश्चन का डिमांड समझे एंड अकॉर्डिंग टू दैट राइट क्रिस्प पॉइंट्स. नो नीड टू राइट बिग बिग पैराज और 10 पॉइंट्स, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट पॉइंट विच आई हैव मिस्ड आउट इज इंक्लूडिंग KEDC विच मीन्स की वर्ड्स एग्जाम्पल्स डेटा एंड केस स्टडी इन योर आंसर्स. की वर्ड्स एग्जाम्पल्स डेटा केस स्टडी इन आंसर्स वेर एवर पॉसिबल. आई हैव ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग इन अदर वीडियोज ऑल्सो दैट दीज फोर थिंग्स की वर्ड्स एग्जाम्पल्स डेटा एंड केस स्टडी इज गोइंग टू एनरिच योर आंसर एंड दैट्स हाउ यू डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ योर आंसर्स बाई यूजिंग दीज थिंग्स. उससे आपको हाफ या 1 मार्क एटलीस्ट बेनिफिट होगा पर आंसर. तो आप एक रफ कैलकुलेशन लगा लीजिए. 1 मार्क पर क्वेश्चन मीन्स 20 मार्क्स इन ईच पेपर, दैट मीन्स 80 मार्क्स इन फोर पेपर्स. तो आप कितना अहेड ऑफ द रेस बन सकते हो बाय यूजिंग दीज थिंग्स. सो कीप योर माइंड ओपन एंड कलेक्ट, कीप कलेक्टिंग, कीप मेकिंग नोट्स ऑफ सच थिंग्स. जहाँ भी आप यू कम अक्रॉस कीवर्ड्स और यूनिक केस स्टडीज और डेटा पॉइंट्स, हैव अ कलेक्शन एंड रिवाइज दोज बिफोर योर मेन्स एग्जाम. सो नाउ नेक्स्ट विल टेक अप अ क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन आई हैड एनकाउंटर्ड इन वन ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट आई हैड अटेम्प्टेड. द क्वेश्चन सेज क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल टू एनेबल द वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ. In light of this statement, elaborate the obstacles to achieve the target of 5 trillion economy. Now, this is the first time I am reading the question. Question, if I have to summarize the meaning of the question, how critical private investment is for growth and development, and how critical it is to achieve the target of 5 trillion economy in India. Very simple, 4-5 line ka question hai. तो आपको पहले स्टेप में इसको समराइज, मेंटल मैपिंग एक बना लेना है कि इसका एकदम सिंपल मीनिंग क्या है इन वेरी लेमैन्स लैंग्वेज. तो दैट इज इट. वी हैव टू कनेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद
द टारगेट ऑफ अचीविंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन इंडिया. तो अगर हम लोग अंडरलाइन कर ले की वर्ड्स एंड की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल फॉर ग्रोथ. एंड सेकेंड थिंग इज वट आर द ऑब्स्टेकल्स दैट वी हैव एनकाउंटर्ड टू अचीव द टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. सो फर्स्ट लेट मी पुट ऑन द थिंग स्टॉप वॉच. आई स्टार्ट द स्टॉप वॉच नाउ एंड लेट मी ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन ऑफ GS पेपर 3. सो वी हैव टू अटेम्प्ट इट इन 7 मिनट्स. तो इन द इंट्रोडक्शन आई राइट इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 सेज दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर क्रिटिकल टू अचीव द टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी as it creates demand, boosts exports, creates employment, etc. So don't forget to underline the important words. Because economic survey, this is something quoted by the economic survey itself. So don't forget to underline the keyword. This is about the introduction. Now coming to the body, they are asking you what are the obstacles we are facing. So obstacles to achieve the 5 trillion dollar economy. You underline it. It is the broad topic, and we'll write pointers under it. The first obstacle is gender disparity. So in India, we are not able to leverage the full potential of the women population. Second thing is improper export policy, not very diversified portfolio of exports, lack of a dedicated export policy, third thing is obstacles related to incentives in private investments, for example, lack of tax concessions, policy fluctuations, etc. Now coming to the next part is, what can be next steps to achieve 5 trillion dollar economy? First thing is dedicated export policy, diversifying the exports as per region and competitive advantage. Second thing is gender
focused approach. Create jobs that can leverage the women potential. For example, economic survey 2017 emphasizes on leather apparel industry. Policy focused on incentives for private investments. For example, tax concessions. To conclude, private investments are a key to achieve the target of 5 trillion economy, but other steps also are required, such as Project Sashakt, to deal with banking NPAs, dedicated export policy, etc. So let me check the time. It is exactly 7 minutes and 5 seconds. It's slightly out of touch and out of practice now. So roughly that is it. I'll now briefly tell you how this is an answer that is above average. Now there are four parts to this answer. First is, I started off with the introduction, wherein I have quoted the economic survey 2017-18 and how it has linked private investments with the target of 5 trillion economy. So that is about the introduction part. In questions related to economics, you can try to quote economic survey related data wherever possible, and any other data that you can recall which is relevant to the question. That will keep you at an advantage. The second part of the question is about obstacles to achieving the 5 trillion economy. Now here what I tried is, I tried to write the keyword first and then elaborate a bit on the keyword. So I jotted down obstacles like gender disparity, improper export policy, and obstacles related to private investments. So now comes the third part, which is the next steps to achieve. What is the way forward to achieve the 5 trillion economy? What we can think of, what suggestions we can give to achieve a 5 trillion economy. So the first one is dedicated, same model I have applied here also. First the keyword or key phrase, and then a brief description of the same. First one is the dedicated export policy by diversifying our exports. The second is a gender focused approach, like the economic survey, again I have quoted here, that it has focused on leather and apparel industry to include women in such employment. And third is a policy based approach or institutionalized approach to boost private investments through tax concessions and other things. Now the fourth part of this answer is the conclusion, wherein I have
written things apart from private investments like dealing with the banking NPAs, which are currently pulling us back to achieve the 5 trillion economy. So I have named projects like Project Sashakt, so which will help us reach the target of 5 trillion economy. So that is how I have structured the introduction, the body, and the conclusion. In the body part, I have kept two parts: one, the obstacle part, and second, the way forward part. So that is about it. Thank you, and keep practicing answer writing as much as possible. That's all. Thank you.